अभी भी वो एक निजी इदारे में अपनी खदमात जो हैं वो सरंजाम दे रही हैं और वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की हेड हैं और ओए लेवल्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर उनके पास मौजूद होते हैं, उनको वो सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। शायरा भी हैं लेकिन वो भी ज़ाहिर अंग्रेज़ी में करती हैं और बहुत सारे प्लेज़ हैं जो उन्होंने डायरेक्ट किए हैं इस तरह के स्कूलों में बच्चों को बताने के लिए, लिटरेचर से आगाही देने के लिए। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव लर्निंग जो है वो इसी तरह से होती है कि आप किसी आप डिफरेंट चीज़ से बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से, तो वो प्ले भी उसकी ही एक शक्ल है। हमारे साथ जी मिस शमा नवाज मौजूद हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको अस्सलाम वालेकुम दीदी, आज लगता है कि ये टीचर होंगी ठीक है, तो वो शी हैज़ प्लीज आइए बैठिए। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारी महफिल में आई हैं, बहुत थैंक यू सो मच। मैं सुन रही थी आप लोगों को एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। वर यू एक्चुअली? यस यस, दैट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आप बहुत अच्छी लग रही हैं सबसे पहले, और उस्ताद होने का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि आप हमेशा हर रोज सुबह सवेरे नीट एंड क्लीन होते हैं, क्योंकि आपको जाना पड़ता स्कूल और यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। कि दो चीजें हैं, एक तो आपका पानी और आपकी चाय आपके साथ पड़ी हुई है, और हलीमा को हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ये जो भी हाथ पहुंचाने डिस्क्लेमर्स देने के लिए। दूसरी चीज कि हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं वो कभी भी जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को पता है बॉबी और मारिया, उन वो सेटिस्फाइड नहीं होते उनकी लुक से, और वो कहते हैं कि नहीं जी हम इनको तैयार करेंगे और फिर इनको भेजेंगे। तो शी इज द ओनली वन अभी तक, जब से मैं बॉबी और मारिया को जानती हूँ, शी इज द ओनली वन जिनके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छी लग रही है, आप ऐसे ठीक है, आप ऐसे चले नहीं करो सीरियसली। नो नो, बट दे डिड पुट अ फ्यू फाइनल टचेस, बट दैट इज वेरी वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आप सोचते हम तकरीबन 1.5 साल से मैं और हुमायूं हैं यहाँ पे, और बॉबी और मारिया भी यहाँ पे है, और हमने उनको ये करते हुए किसी के साथ नहीं देखा, तो आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे थे वो जो एक जंग है कुछ जनरेशंस की, हम 90s के बच्चों की, हमारे पेरेंट्स के साथ, फिर हमारे आगे जो बच्चे होंगे उनके साथ, ये जंग कब तक चलती रहेगी? आई एम सो अमेज्ड कि हम ये जनरेशन गैप को कहीं पे भी समझ नहीं पा रहे, ठीक है। हम एक कॉलर लेते हैं, हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर है, लेट्स सी कौन सरप्राइज कॉलर है हमारे साथ मौजूद है, कोई प्रिटेंड नहीं करें हम, लेट्स सी हु इज दिस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूं। और हलीमा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने ही मना किया था कि मेरा नाम ना बताएं, क्योंकि मैं खुद अपना तारुफ बाद में कराऊंगी। अच्छा, बस मुझे ये बात करनी थी कि मैं तो सब ऑफिस में होती हूँ, अभी भी ऑफिस में हूँ। अच्छा, बस मैं जब मैं लेट नाइट शोज देख रही होती हूँ तो मैं आप लोग का पहले कभी कभी देखती थी, अब रोज देखती हूँ प्रोग्राम। ये इस्लामाबाद में रहते हुए आपका जो कंटेंट है, आपके जो गेस्ट हैं, आपका जो मॉर्निंग शो है, जितने भी मॉर्निंग शो जो मेरी राय है आप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव होता है, इसलिए मुझे फोन करना था। वैसे मैं तो खुद बहुत अपने आप को खुद बहुत तीस मारा समझती हूँ, मैं कभी कोशिश करती नहीं हूँ, बस आपके अदारे के अपील साथ जब पहली दफा मेरे पास ऑफिस आए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बड़ी कंपनी से है, मैं मीडिया वगैरह सब हैंडल करती हूँ, जब वो आए तो मैंने कहा अच्छा अच्छा आपके यहाँ कोई हलीमा भी होती है, और वही वाला प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा आप देखती हैं, मैंने कहा हाँ मैं देखती हूँ। अब मैं मुझसे पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्निंग शो शुरू करना है, तो मैंने कहा 15 दिन का आप और लाइफ का शो देखिए, फिर पता चलेगा आपको कंटेंट होता क्या है। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं ना, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि शायर ने कहा था कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसान है यही।